एक लड़ाकू विमान एक ड्रोन के पीछे पड़ा हुआ है और लगातार वो उसके करीब जाता दिख रहा है। तस्वीरों में आपको ड्रोन और लड़ाकू विमान की दूरी भी दिखाई दे रही है। महज 168 मीटर की दूरी जो लगातार घट रही है और फिर विमान पास से उसके निकल जाता है। एक और क्लोज शॉट देखिए जिसे खुद ड्रोन ने ही रिकॉर्ड किया है, उसके कितने करीब आ गया था ये लड़ाकू विमान। आखिर किस देश का ये लड़ाकू विमान है और क्यों वो उस ड्रोन के पीछे पड़ा था, कहानी पूरी बताएंगे आपको। लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार ये पहले पूरा वीडियो देख लें। वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लड़ाकू विमान ड्रोन को परेशान कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ड्रोन का क्या हुआ होगा, लड़ाकू विमान ने क्या कुछ किया होगा। पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अमेरिकी सेना ने यह वीडियो जारी किया है और कहा है कि 5 जुलाई को सीरिया में इस्लामिक स्टेट को निशाना बनाने वाले एक ऑपरेशन के दौरान रूसी लड़ाकू विमानों को अमेरिकी सैन्य ड्रोनों को परेशान करते हुए देखा गया और इसी का उन्होंने वीडियो जारी किया है। ये इस साल की ऐसी दूसरी घटना है। सेना के मुताबिक रूसी लड़ाकू विमान लगातार उनके ऑपरेशंस में बाधा डालते रहते हैं और इस तरह से उनके ड्रोन्स को थ्रेट करते रहते हैं। अमेरिकी वायुसेना ने घटना को कैद करते हुए ड्रोन वीडियो फुटेज जारी किया है जो सीरियाई संघर्ष में बढ़ते तनाव को उजागर करता है। नौवीं वायुसेना के कमांडर ने एक जारी बयान में भी कहा है कि 3 MQ-9 रिपर ड्रोन 3 रूसी लड़ाकू जेट द्वारा लगातार प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए कार्य में लगे हुए थे। इसके पहले भी रूसी लड़ाकू जेट अमेरिकी वायुसेना के MQ-9 रिपर ड्रोन को लगातार परेशान कर चुके हैं। एक बार ड्रोन काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। MQ-9 रिपर ड्रोन, जिसे मुख्य रूप से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए तैनात किया जाता है, 8 लेजर निर्देशित हेलफेयर मिसाइल से लैस हो सकता है जो इन टकरावों में जोखिम को रेखांकित करता है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रूसी लड़ाकू विमान लगातार उसे परेशान कर रहे हैं और यहां तक कि उस ड्रोन को परेशान करने के लिए फ्लेयर भी लड़ाकू विमानों ने छोड़ दिया, जिससे और भी ज्यादा ड्रोन पर खतरा मंडराने लगा। लेकिन इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया जो ये बताता है कि अमेरिका और रूस के बीच के संबंध कितने तनाव से गुजर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।